अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं जुनैर शेख। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इनफिनिक्स स्मार्टफोन। तो इसकी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, जो इसका प्राइस है वो भी आपको लास्ट में बताऊंगा। तो इसके करते हैं हम अनबॉक्सिंग। तो गाइस, जैसे कि आपको पता, स्मार्टफोन आजकल पाकिस्तान में बड़ा फेमस सेट चल रहा है, जो रेंज के मुताबिक बहुत अच्छा चल रहा है। तो जैसे कि आपको इसकी ब्रांडिंग देखने में मिल रही है इनफिनिक्स की, तो आपको फ्रंट में भी देखने में मिलती है। अगर हम इसकी बैक पे भी देखते हैं, हमें वही मिल रही है। अगर इसके हम पीछे बैक पे से जाते हैं, तो इसकी हम चेक कर आपको करवाते हैं। जैसे कि हमें 2 GB रैम 32 GB मेमोरी के साथ मिलता है। अगर हम नेटवर्क पे जाते हैं, हमें 4G 3G 2G मुकम्मल चीज़ें मिलती हैं। अगर हम इसकी बैटरी की तरफ देखते हैं, तो बैटरी हमें मिलती है 4000 mAh बैटरी। अगर हम इसकी डायरेक्ट साइज देखते हैं, तो हमें 167x7783.mm की देखने में मिलती है। अगर इसके हम चलते हैं एंड्रॉयड की तरफ, तो एंड्रॉयड हमें मिलता है 9 के साथ। तो ये अभी एंड्रॉयड अपडेट नहीं है, लेकिन है अच्छा है। अगर हम चलते हैं इसकी डिस्प्ले की तरफ, डिस्प्ले हमें LCD देखने में मिलती है, 6.6 HD डिस्प्ले के साथ देखने में मिलती है। अगर इसके हम कैमरे की बात करते हैं, कैमरे हमें जैसे फ्रंट कैमरा देखने में मिलता है 5 MP कैमरे के साथ देखने में मिलता है। अगर हम इसके बैक कैमरे देखते हैं, बैक कैमरा हमें 8 MP देखने के मिलता है वाइड एंगल के साथ। अगर रेगुलेशन की चेक करते हैं, तो हमें 720x160 तक हमें देखने में मिलती है। तो गाइस, इसके हम कर लेते हैं अनबॉक्सिंग, फिर उसके बाद हम देखते हैं सेट अंदर से कैसा है और कैसा है। तो मैं भी इसमें देखने में जल्दी जल्दी करता हूँ, क्योंकि मुझे भी सेट इससे अच्छा लग रहा है। तो इसे कम प्राइस में, मैं प्राइस आपको लास्ट में बताऊँगा, अभी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो गाइस, ये हमारा हो गया ओपन। जैसे कि हमें देखने में डब्बे में मिलता है, वारंटी कार्ड है, स्टिकर है, इसमें हमें क्लेम कराने में लिए बहुत अच्छा रहते हैं। तो गाइस, जैसे कि हम चल जाते हैं चार्जर की तरफ इनफिनिक्स का, ये फास्ट चार्जिंग तो नहीं है, लेकिन चार्जिंग अच्छा है कि 2 एम्पीयर का चार्जर के आपको अच्छा चार्जिंग। उसके साथ हमें केबल मिलते, ये हेडफोन मिलते हैं, उसके बाद हमें केबल साथ देखने में मिलती है। अगर हम चलते हैं कॉपी वगैरह इसके साथ है, गूगल की इनफिनिक्स की आप देख सकते हो, जो यूज़ करने का तरीका है वो भी लिखा हुआ है। और साथ हमें मिलता है इसका सिलिकॉन पाउच, तो जो आप बैक पे लगा सकते हैं, ये देख सकते हो, उस पर ब्रांडेड भी बनी हुई है। तो वह इसको हम करते, उसके अलावा हमें ये एक साथ पेपर भी मिलता है LCD पे लगाने के लिए। तो वह इसको रखते हैं हम साइड पे। तो गाइस, जैसे कि हमें स्मार्टफोन देखने में आपको पहले बताया, जो डिस्प्ले मैंने बताया, बैटरी आपको 4000 mAh मिलती है, ये भी अच्छा है। अगर हमें फिंगरप्रिंट भी देखने में मिलता है और फेस लॉक भी देखने में मिलता है। तो गाइस, इसको हम कर लेते हैं फटाफट ऑन, लेकिन हम इससे पहले बैक देख लेते हैं। मैंने आपको कैमरों भी बताया था, लेकिन इसमें देखिए, ये जो उन्होंने मेटल बॉडी में प्लास्टिक दिया है, लेकिन बहुत अच्छा दिया है, हमें देखने में फिंगरप्रिंट भी मिलता है कम प्राइस में। अगर हम इसके स्पीकर देखते हैं, हमें स्पीकर भी देखने में पीछे बैक पे ही मिलता है, लेकिन अदरवाइज मोबाइलों पे आते हैं फ्रंट पे, इस पे बैक पे आया हुआ है। और हमें अगर नीचे वाले साइड पे चलते हैं, तो हमें देखने में एक चार्जिंग केबल और उसके अलावा हमें हेडफोन की जगह और स्पीकर की देखने में मिलता है। तो गाइस, इसको हम कर लेते हैं ऑन। तो गाइस, जैसे ऑन करते हैं, तो हमें इनफिनिक्स देखने का लोगो मिलता है एंड्रॉयड का। तो जैसे कैमरे मैंने आपको बता दिया था, लेकिन कैमरे के साथ हमें LED लाइट भी देखने में फ्रंट पे मिलती है। अब इसको देख सकते हैं, अभी ऑन होएगा। मैं आपको अगर साइड पे आप देखें, तो हमें गूगल कंट्रोल का बटन देखने भी मिलता है। ये पावर की, ये गूगल का कंट्रोल, ये वॉल्यूम अप और डाउन का मिलता है। ये बहुत कम प्राइस में, इसका ढक्कन भी खोल लेते हैं, लेकिन तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इन्होंने पैक मोबाइल दिया हुआ, लेकिन रिमूव सिम तो नहीं है, लेकिन हमें देखने में जो मिलते हैं, डबल सिम मिलती है, 4G सपोर्टेड है, और हमें कार्ड देखने में मिलता है। तो गाइस, हम फटाफट कर लेते हैं सेटअप पे, इसके कैमरे भी चेक कर लेंगे। फिंगरप्रिंट तो मैच नहीं कर रहा, लेकिन इसका फिंगरप्रिंट है अच्छा। तो गाइस, हमने कर लिया इसको ऑन। जैसे कि आप इसका डिस्प्ले देख सकते हो, डिस्प्ले मैंने आपको बता दिया था, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके हम चल जाते हैं अबाउट में जल्दी जल्दी।
अबाउट में मैंने आपको बता दिया, ये 2 GB रैम है, 32 GB मेमोरी है, तो आप इसको देख सकते हैं। 8 MP क्वाड दो कैमरे के साथ है। उसके अलावा अगर प्रोसेसर देखें तो 2.8 के साथ लगा हुआ है। रेगुलेशन मैंने आपको बता दी थी। एंड्रॉयड इसका चेक कर लेते हैं, एंड्रॉयड इसका 9 में है, तो आप इसको देख सकते हैं। एंड्रॉयड इसका 9 है स्मार्टफोन। तो भाई इसका सबसे पहले कर लेते हैं कैमरा चेक। तो कैमरे को जैसे कि हमें रिजल्ट देखने में मिलता है, हम इसको कर लेते हैं फुल डिस्प्ले। तो ये फुल डिस्प्ले ही था, आप इसको देख सकते हैं। इसके हम पिक्चर बना लेते हैं, पिक्चर के फिर रिजल्ट भी देख लेते हैं, हमें और भी इसमें देखने में मिलते हैं। अगर इसकी कैमरे की वीडियो रेगुलेशन देखें तो हमें 1080 720 और 480 का हमें देखने में रिजल्ट देखने में मिलता है, जो हम कैचअप कर सकते हैं। लेकिन हम पिक्चर बना लें, इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि हमें रिजल्ट देखने में मिलता है। तो गाइस इसको आप देख सकते हैं कि इसके पिक्सल वगैरह तो फटे हैं, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। लेकिन जो इसके प्राइस हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इस प्राइस में बहुत अच्छा सेट है। तो आपने देखा इसका फ्रंट कैमरा भी हम चेक कर लेते हैं। तो गाइस ये जैसे कि हमने फ्रंट कैमरे की पिक्चर बना ली, आप इस पिक्चर देख सकते हैं, इसके इतने पिक्सल नहीं फटे, ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है फ्रंट कैमरा भी। लेकिन हम इसके फ्रंट कैमरे की इसकी वीडियो को देख लेते हैं वो कितना है। तो गाइस ये भी 180 फ्रंट कैमरे से वीडियो कैप्चर कर सकता है। तो इसमें जो आपके चल रहे हैं, तो गाइस ये जो फ्रंट वाली लाइट है मैंने आपको वो भी सेंसर चला के दिखा दिया, आप देख सकते हैं। इसका ये सेंसर है फ्रंट वाला, तो आप देख सकते हैं जो सेंसर के साथ, ये भी अच्छी चीज़ दी है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बता दिया, और भी इसके अंदर जो इन्होंने फेस लॉक का भी दिया ऑप्शन, तो इसके अंदर अपना फ़ोन मैनेजर जो इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ है ये भी है। इसमें उन्होंने बहुत सारी ऐप दी हैं अपनी, लाइट फेसबुक भी दी है, जैसे कि आप सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं कि अपने अपडेट है। इसकी ऑल गैलरी पहले नहीं आती थी, इसके अंदर इन्होंने ये भी अपडेट की है। तो आप कई चीज़ें चेक कर सकते हैं जो इसके अंदर चीज़ें हैं। उसके अलावा इन्होंने गूगल प्ले भी दिया नया, यूट्यूब भी इंस्टॉल इसमें किया है, तो फोटोग्राफ्स भी इसके अंदर पहले से इन्होंने अपडेट कर दिए। तो गाइस इसकी मैंने आपको चीज़ें बता दी, लेकिन आपको मैं प्राइस बताता हूँ। तो गाइस हम करते हैं इसकी प्राइस की बात। जो इसके प्राइस हैं पाकिस्तान में 13,500 प्राइस है, लेकिन अगर आप मार्केट से लेने जाएं तो मार्केट में आपको इससे कम भी मिल सकता है। तो गाइस इतनी प्राइस में आपको 4G सेट भी मिल रहा है, और इसके अंदर मैं आपको बैटरी बताई है, बैटरी इसकी 4000 mAh बैटरी है, और स्लिम सेट आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्लिम सेट है। मैं इसके रिव्यूज़ भी अभी डाल देता हूँ वीडियो के बाद, जो रिव्यूज़ होगा सेट जितना स्लिम है वो भी रिव्यूज़ आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो गाइस कैमरे मैंने आपको बता दिया, मार्केट में वैसे इसका रिटेल रेट है 13,500, ठीक है। तो लेकिन आपको इससे भी कम मार्केट में मिल सकता है, जैसे कि अदरवाइज आप किसी मार्केट में जाएँ तो उससे भी लेस करके आपको मिल सकते हैं। तो गाइस जिसे मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी न्यू वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, और भी ऐसे करके वीडियो और नए मॉडलों की भी लेके आऊँगा। बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, और भी नोटिफिकेशन ऐसे आपको मिलते रहेंगे। तो गाइस जाने से पहले आपको एक और चीज़ बताते जाऊँ, इसके अंदर जो लेस है 1,000 रुपया लेस भी है, किसी सेट में 1,500 रुपये भी लेस है। तो जिसने मुझसे पूछा तो कमेंट में पूछ सकता है, क्योंकि इन्फिनिक्स से ऐसे काफ़ी सारे मॉडल जिसमें आपको लेस है, और उसमें इनाम भी है जो हर मंथली आखिर में लास्ट में इनाम निकलते हैं, तो वो भी आपको बताऊँ कुरंदाजी में कैसे होते हैं। जो जिसने भाई ने मुझे पूछा तो कमेंट में मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड इसकी मैं आपको रिव्यू दिखाता हूँ, इसकी जो स्लिम है आप इसको देख सकते हैं। इसके कैमरे आप देख सकते हैं जो फिंगरप्रिंट के साथ है, और जैसे कई लोगों फ्रंट वाला आप इसको देख सकते हैं। तो इसको मैं लाइट ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये हमारा रिव्यूज कंप्लीट, ऐसी वीडियो देखने के लिए वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।